आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसकी स्थापना श्री कृष्ण ने की थी। ये शहर वैष्णव मत के चार धामों में से एक है। आइए साथ चलते हैं द्वारका नगरी। देवलोक में आपका स्वागत है। मैं हूँ रसिका दुग्गल और मेरे साथ है वेद पुराण आख्यान के विशेषज्ञ देवदत्त पटनायक। देवदत्त, कृष्ण की पैदाइश मथुरा में हुई थी, लेकिन उनको द्वारकाधीश बुलाया जाता है, ऐसा क्यों? तो कृष्ण की कहानी में दो भाग होते हैं। जो पॉपुलर भाग है वो जो ब्रजभूमि में होता है। ब्रजभूमि मतलब दिल्ली के साउथ में जो एरिया है, गंजेटिक प्लेन है, जहाँ यमुना है वहाँ पे। अच्छा। तो कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, फिर उनको वहाँ से लेके गए लोग गोकुल। गोकुल में उनकी परवरिश हुई, गोकुल से वो वृंदावन आए, वृंदावन मधुबन वो एरिया में है स्टोरी। उसके बाद वो वापस मथुरा पहुंचते हैं। अच्छा। और जब मथुरा पहुंचते हैं तो वहाँ पे कंस के साथ उनका द्वंद होता है। सो स्टोरी है कि वो कंस उनको मारना चाहते थे और एंड में कृष्ण कंस को मार डालते हैं। और कंस उनके मामा हैं, उनके अंकल हैं। तो मथुरा वासियों को बहुत खुशी होती है क्योंकि कंस एक टायरेंट था। उन्होंने लोगों को तकलीफ दिया था, उनकी बहन को जेल में डाला था, उनके जितने भी नेफ्यूज थे उनको मार डाला था। तो ही वाज नॉट वेल लाइक्ड। और ये यादवों की नगरी थी मथुरा। लेकिन कंस के मरने के बाद उनके जो ससुर जी थे, जिनका नाम था जरासंध, जो मगध के राजा थे, ही गॉट वेरी अपसेट एंड ही सेड मैं रिवेंज लूंगा। तो जरासंध की दो बेटियां थी, अस्थि और प्राप्ति। और वो दोनों विधवा हो गई थी। तो वो कहता है कि मैं मथुरा को ध्वंस कर दूंगा। सो वो अपनी आर्मी लेके मथुरा आता है और युद्ध करता है। और हमेशा कृष्ण और बलराम वो सिटी को डिफेंड करते हैं। अच्छा। तो यादवों को लीड करते हैं, फाइट होता है। तो ये बहुत ही वायलेंट स्टोरी है। इनफैक्ट 18 बार जरासंध अटैक करते हैं मथुरा को। और 18th टाइम उनके साथ उनका जो कमांडर, एक नया कमांडर लेके आते हैं जिसका नाम है काल यवन। अच्छा। सो काल यवन मींस ब्लैक ग्रीक। और ऐसे कहा गया है कि जिस दिन ये काल यवन नामक कोई आदमी मथुरा के ऊपर आक्रमण करेगा तब मथुरा ध्वंस जरूर हो जाएगा। अच्छा। तो उस समय कृष्ण ने ये डिसीशन लिया यादवों के साथ कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि मथुरा तो ध्वंस होने ही वाला है, तो यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। तब वो द्वारका चले गए। अच्छा। तो ये स्टोरी ऑफ मथुरा का जो डिस्ट्रक्शन, और इसके बाद यादव वंश कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने योग की शक्ति से इनको द्वारका लेके गए। अच्छा। तो मथुरा वाले कृष्ण और द्वारका वाले कृष्ण में क्या फर्क है? मथुरा में कृष्ण का बचपन खत्म हो जाता है जब वो दूसरे बार आ जाते हैं। तो कृष्ण की स्टोरी हमेशा भागवत और महाभारत में ऐसे डिवाइड होता है। और जो महाभारत वाले कृष्ण हैं उनका द्वारका के साथ संबंध है, मथुरा के साथ संबंध नहीं है। और वृंदावन में और गोकुल में उनका बचपन था और वहाँ पे राधा के साथ वो गोपाल थे और काउहर्ड्स, मिल्कमेड्स, गाय के साथ, यू नो द होल जो गाँव का एक वातावरण है वहाँ पे गाना नाचना एक इनोसेंस है। लेकिन ये कहानियां महाभारत में नहीं, ये महाभारत में नहीं है। यहाँ पे वो बांसुरी बजा रहे हैं, राधा के साथ खेल रहे हैं। तो उनका इनोसेंस खत्म हो जाता है जब वो मधुबन से निकलते हैं, वृंदावन से निकलते हैं, मथुरा आते हैं। यहाँ पे उनका रूप बहुत बदलता है। ही स्टार्ट्स शोइंग साइंस ऑफ बीइंग अ वॉरियर। तो यहाँ पे वो मल्ल करते हैं, रेसलिंग मैच करते हैं और फिर कंस को मारते हैं। तो सडनली आप यहाँ पे रोमांटिक साइड कुछ है नहीं, यहाँ पे प्लेफुल साइड, वो नटखट कृष्ण कुछ दिखाई नहीं है। यहाँ पे वो एक योद्धा है। और एक बार वो द्वारका पहुंच जाते हैं फिर राजनीति की दुनिया शुरू हो जाती है, क्योंकि द्वारका में उनकी शादी होती है, अनेक पत्नियां होती है। यहाँ की जो भी स्टोरीज है, यहाँ पे एक अर्बन एनवायरमेंट है, सिटी का गाँव का एनवायरमेंट नहीं है। यहाँ पे वो कुरुवंश के पॉलिटिक्स में भिड़ जाते हैं जो महाभारत की स्टोरीज है। यहाँ पे भी कोई बांसुरी नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, कोई नटखटपना नहीं है। तो एक मैच्योर्ड कृष्ण की कहानी शुरू हो जाती है द्वारका में। और लोगों को ये स्टोरी ज्यादा पसंद नहीं है। इनफैक्ट लोगों को महाभारत वाले कृष्ण के बारे में कुछ पता है, मथुरा और मधुबन की कृष्णा के बारे में पता है, लेकिन द्वारका के बारे में ज्यादातर कहानियां फेमस नहीं है। ऑल्दो ये चार धामों में से एक है, यहाँ पे श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा मंदिर है। सुना है कि द्वारका नगरी में बहुत सारे महल थे और कृष्ण की पत्नियों के महल थे, तो कृष्ण की पत्नियों के बारे में बताइए। कृष्ण को कहते हैं कि उनकी अष्ट भार्या थी, 8 क्वींस थे उनके। जो मेन क्वीन थी सत्यभामा और रुक्मिणी,
और ये दो मेन क्वींस थे, बाकी और 6 क्वींस है, जैसे कालिंदी जो रिवर यमुना है, जाम्बवती जो जाम्बवन की बेटी थी, ऐसे कई पत्नियां थी उनकी, और कहते 16,000 उप पत्नियां माइनर क्वींस थे। अच्छा। और इनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है कि उन्होंने नरकासुर के साथ युद्ध किया था, और जब नरकासुर के साथ युद्ध किया था, नरकासुर ने देवों को बहुत तकलीफ दी थी, और इंद्र आके श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप मुझे बचाइए क्योंकि आप विष्णु के रूप हो। तो पहले बार हम कृष्ण को विष्णु का रूप मानने लगते हैं, क्योंकि इंद्र भी उनका सपोर्ट लेने आते हैं कि प्लीज हमें हेल्प कीजिए, नरकासुर हमें बहुत तकलीफ दे रहा है, आप ही उनको डिफीट कर सकते हो। अच्छा। और श्री कृष्ण गरुड़ के ऊपर बैठ के नरकासुर के साथ युद्ध करते हैं और नरकासुर का वध करते हैं, और देखते हैं कि उनके जो महल में 16,000 पत्नियां हैं, और वो 16,000 पत्नियां कहते हैं कि हम अब कहाँ जाएं, क्योंकि हमें तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम असुर के पत्नी हैं, हमारे पिताजी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस सोसाइटी में। तो श्री कृष्ण कहते हैं नो, डोंट वरी, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, आप द्वारका आ जाइए और सबके लिए मैं महल बनाता हूँ। श्री कृष्ण का अपनी पत्नियों के साथ और कोई कहानियां हैं जो इंटरेस्टिंग कहानियां? कोई आंध्र प्रदेश में श्री कृष्ण के दाम्पत्य की स्टोरीज बहुत पॉपुलर है, इनको भागवत कथा कहते हैं। तो साउथ में ज्यादातर राधा वाले स्टोरीज और गोपिकाओं की स्टोरीज इतने पॉपुलर नहीं है जितने द्वारका के जो कृष्ण हैं और उनकी कई पत्नियां हैं, उनकी स्टोरीज बहुत पॉपुलर है। अच्छा। और उनमें से एक जो बहुत पॉपुलर होता है कि रुक्मिणी और सत्यभामा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। अच्छा। क्योंकि ये दो पत्नियां हैं और उनमें हमेशा एक ऐसे कंपटीशन चलता रहता है, और ये दो पत्नियों का स्वभाव बहुत अलग है। तो रुक्मिणी विदर्भा की प्रिंसेस थी, एंड वो इलोप करती है कृष्ण के साथ, वो कहती कृष्ण को बुलाती है और कहती कि प्लीज मुझे फोर्सिबली शादी करा जा रहा है किसी और के साथ, ये शिशुपाल नामक कोई व्यक्ति है, मुझे उनसे शादी नहीं करना है, आप प्लीज आके मुझे मुझे इलोप करना है आपके साथ। और तो कृष्ण आते हैं रथ में और रुक्मिणी का हरण करते हैं। अभी ये पहली बार जरासंध को लगा था कि कृष्ण हैज बीन किल्ड मथुरा में, उन्होंने तो आग लगा दी थी पूरी मथुरा को। तो पहले बार श्री कृष्ण को वापस देखते हैं यहाँ पे। अच्छा। कि ये शिशुपाल की शादी में ये जो रुक्मिणी है वो किसके साथ इलोप किया, तो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ, तो दैट मींस ही स्टिल अलाइव। तो पहले बार वो दिखाई देते हैं वहाँ पे, तो शी मैरीज और उनके साथ कुछ होता नहीं है, शी इज कम विदाउट ना दहेज ना कोई गिफ्ट, तो गरीब है वो, तो वो गरीब पत्नी है, श्री कृष्ण की गरीब पत्नी रुक्मिणी है। और यादव वंश में एक बहुत ही श्रीमंत यादव होते हैं जिनका नाम है सत्रजित, उनकी बेटी का नाम है सत्यभामा, और वो बहुत अमीर है, और उनके साथ श्री कृष्ण की शादी होती है। अच्छा। और इसके वजह से शी इज रिच, और उनका एक कनेक्शन होता है यादव वंश के साथ। ऑल्दो वासुदेव कहते हैं कि ये मेरे पुत्र है, बहुत लोगों को लगता है ये झूठ है, शायद पता नहीं कहाँ से एक ग्वाला आया है अपने आप को यादव बोल रहा है, इज नॉट रिफाइंड, नॉट कल्चर्ड, कुछ संस्कार नहीं है उसमें, गांव वाला है, तो ही हैज नो स्टेटस इन द यादव ट्राइब। तो सत्यभामा को शादी करने के बाद ही बिकम्स ऑफिशियली द सन इन लॉ ऑल्सो ऑफ द यादवास, तो उनको जो स्टेटस है, उनका जो प्रेस्टीज, अथॉरिटी और धन सब सत्यभामा से आता है। अच्छा। तो यहाँ पे एक पत्नी है जो गरीब है, जो प्रेम से श्री कृष्ण की तरफ देखती है, और दूसरी पत्नी है सत्यभामा जो अमीर है, जिनके वजह से उनको स्टेटस मिलता है सोसाइटी में। तो हु इज द मोर इम्पोर्टेंट वाइफ, तो एक जो उनसे प्रेम करती है या जिसने उनको उनको धन धान्य संपत्ति प्रेस्टीज सब दिया है? तो श्री कृष्ण को दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। और कहते हैं कि जो रुक्मिणी है वो यू नो बहुत ही पैसिव है, बहुत ही जेंटल है, और सत्यभामा है वो डिमांडिंग है, शी विल डिमांड अटेंशन, और दोनों के बीच में हमेशा द्वंद रहता है। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।